हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जीके में कोई क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन करंट अफेयर्स फिक्स है कि आपका जितना भी आपका जिस टाइप का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपका 2, 4, 10, 25 उसके हिसाब से आपका करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने सीरीज स्टार्ट किया आज से। और ये करंट अफेयर्स सारे ही करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमने लिख रखा है 2 दिसंबर करंट अफेयर्स, और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है, और ऑप्शन में ए है केरल, मणिपुर, मुंबई, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बता देना है, और बाकी का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिए ताकि हम स्टार्ट करें, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास ताकि औरों को भी हेल्प मिले। PDF जरूर आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जरूर ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगा, तो सिर्फ आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। और बाकी के जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नंबर है हमारा 7563830146। इस पर मैसेज करिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जैसा कि आपको इसमें हम बात करेंगे टॉप, मतलब कि प्रतिदिन टॉप 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स है। और ये क्वेश्चन बढ़ेगा, बट पहला दिन है इसलिए हम आज कम क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि आपका रिस्पांस कैसा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा। ये 2020 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में BSF ने अपना स्थापना अपना सत्तावनवा स्थापना दिवस कब मनाया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी में दिया है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी में दिया है 30 नवंबर, ऑप्शन डी में दिया गया है 29 नवंबर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 दिसंबर, और ये स्थापना कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को BSF का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा, आपको इसमें भी पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, और कहाँ पे बन रहा है, फोटो वगैरह भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का जो सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज है वो मणिपुर में बन रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये देखिए उनका फोटो आप देख लीजिए, सेंड्रा मेसन का। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है सूरीनाम, ऑप्शन बी है बारबाडोस, ऑप्शन सी है गोयाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इनका जो ये पहली जो ये राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं किस देश की, मतलब सेंड्रा मेसन जो है पहली राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति, ये कहाँ की, मतलब कि इनका कहाँ की बनी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारबाडोसा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना है। जो अभी हाल ही में डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कौन बना है, कौन सा राज्य बना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका इस PDF का हम आपको पहले बता देते हैं, इसका पासवर्ड क्या है, इस PDF का पासवर्ड है 1 2 3
फोर, ये आपको कॉमा नहीं देना है, सिर्फ 1 2 3 4 आप डालिएगा तो इस पीडीएफ का पासवर्ड मतलब है और ओपन हो जाएगा आपको। तो ये टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको पीडीएफ, तो वहाँ पे आप जरूर ऐड हो जाइएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना है सबसे बड़ा देश का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। आप कीवी ये फोटो देख सकते हैं, यही फल है कीवी। और ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। एक बार इसका आप कॉमेंट में आंसर बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश के CM और गवर्नर कौन है, अरुणाचल प्रदेश के CM और गवर्नर कौन है, आप कमेंट में बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए। और ये थे 5 क्वेश्चन जिसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा हो तो जल्दी क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा। और ये 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जरूर ऐड हो जाइएगा। और जैसा कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, उसका नाम और फोटो दोनों ही अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, हम लगाएंगे फोटो। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।